तुम देखोगे प्रवीण कैसे गाड़ी चलाता है। ये रवि, ये रवि, हाँ वो गुंडे आ रहे हैं पीछे। क्या हो गया? रवि जल्दी चलाओ प्लीज। अरे पीछे यार। अरे पीछे मतलब ही, इसे क्या हो गया? रवि क्या हुआ, जीप क्यों रोक दी तुमने? मैंने रोकी नहीं है, खराब हो गई है। खराब हो गई? रवि बोलो का अभी आते ही होंगे, मैं पकड़ लेंगे फिर से। दीदी को एक सेकंड देखने दो, मुझे क्या हुआ क्या इसको? ये तो खराब हो गई, मेरे को लगता है शायद डीजल खत्म हो गया। एक काम करते हैं, हम लोग भागते हैं यहाँ से, ठीक है? इसको यहीं छोड़ते हैं, खतरनाक जीप है। ओके हेलो, तुम हाँ कहाँ जा रही हो तुम? दीदी का वो अगर सीधा है तो हम सीधा जाएंगे तो पकड़ लेंगे हमको। वैसे एक काम करते हैं, ऊपर निकलते जंगल में। रवि का कमरा मतलब हमारा होने वाला बेडरूम। जब जब मैं यहाँ होती हूँ रवि, तुम्हें अपने और करीब महसूस करती हूँ। रवि, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी शर्ट से काम चला रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम यहाँ मेरी बाहों में होगे। मुझे हमारा फ्यूचर क्लियरली नजर आ रहा है रवि, तुम मैं यहाँ इस कमरे में इस बेड पर। जल्द इस फोटो फ्रेम में तुम्हारी और मेरी फोटो होगी रवि, अ स्माइलिंग पिक्चर। और हाँ, इस देविका की भी एक फोटो रख लेंगे हार चढ़ाने के लिए। स्वर्गवासी देविका। नहीं, नर्कवासी देविका। लेकिन ये लैला मजनू कहाँ गए? जाएंगे कहाँ, यहीं कहीं होंगे। ए, ढूंढो उनको चारों तरफ, चल। उस्ताद जी, इस तरफ तो कोई नहीं। उस्ताद जी, इस तरफ भी कोई नहीं। भाई उधर कोई नहीं दिखा। अबे यहीं कहीं होंगे, तुम लोगों ने ठीक से देखा नहीं होगा। ठीक से देखो, जाओ चारों तरफ, जा दूसरी तरफ देख। उसी लड़की का कपड़ा है। उस्ताद जी, वो लड़की का कपड़ा। इसका मतलब वो लोग इसी तरफ गए होंगे। ए, चलो। इस तरफ चलो। जल्दी आ, जल्दी आओ। देख कैसे देविका, जल्दी करो, गुंडे लोग आ जाएंगे।
एक मिनट रवि, वो मेरी साड़ी मेरे पैरों में अटक रही है। तुमने साड़ी पहनी है क्यों? सूट पहन लेती। अरे क्या मुझे पता था कि मैं किडनैप होने वाली हूँ? पता होता ना तो सूट ही पहन कर आती। और तुम दो मिनट चुप रहो, वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं अच्छी बनकर आई थी। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे मुझे मालूम था कि हम जंगल में आएंगे। रवि फालतू में बहस क्यों कर रहे हो? दो मिनट दो ना, मैं कर रही हूँ। दो मिनट कभी देख सके? मेरी साड़ी का पल्लू भी फाड़ गया। मिल जाए ना ये गुंडे एक बार, इनको मैं छोड़ूंगी। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम उधर मुँह करो। उधर मुँह क्यों करूँ? तुम्हारा पति हूँ मैं, मुझसे क्या शर्माना? रवि ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो लड़ लो, अभी वो गुंडे आ जाएंगे, हम दोनों को पकड़ के ले जाएंगे, फिर मत कहना तुम्हारी गलती है। हा? तुम सभी औरतों का ये अच्छा है, जब देखो आंखें बड़ी करके धमकी देती रहती, बात नहीं करो। देखना मत इधर। नहीं देखूंगा, समझ में आता है मुझे तुम सबका। पैदा होते ही पहले माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती है, फिर बहन करती है, फिर बीवी करती है, हो गया। नहीं बस दो मिनट और। अरे कितने और दो मिनट? कभी एक सेकंड कभी दो मिनट, गुंडे आके ले जाएंगे हमको। हेलो रवि क्या कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जल्दी चलो ना। इतनी दूर से और खड़े खड़े अकेले किससे बातें कर रहे हो? अच्छा मतलब कि साड़ी ठीक हो गई तो शेरनी बन गई। उस्ताद जी हाँ। पता नहीं ये दोनों जंगल में कहाँ गायब हो गए। अबे तुम सब वो ही निकम्मे, तुमसे काम भी ठीक से। एमएलए का फोन, बिल्कुल भी शोर मत करना, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि लड़का हमारे हाथ से निकल गया। हाँ एमएलए साहब। और सुना दिलदार क्या चल रहा है, मेरी जान कैसी है? वो ठीक है। और वो कबाब में हड्डी वो कैसा? वो भी ठीक है एमएलए साहब। क्या वो ठीक है? वो क्या होटल में रहने के लिए आया क्या? उसकी देखभाल करे तो कीटो कमीने को, वो ठीक नहीं रहना चाहिए। एमएलए साहब आप उन दोनों की चिंता छोड़िए, वो लूथरा मैडम। अरे लूथरा की छोड़ो, उसकी क्यों परवाह कर रहे तुम? मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, पीटो कम उनको, अच्छे से पिटाई करो उसकी। और सुन जब पिटाई कर रहे हैं ना फोन ऑन रखना, मुझे उसकी चीखें सुननी है। अच्छे से पिटाई कर कमीने की। बिल्कुल ऐसा ही होगा साहब। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? एमएलए को उस लड़के के रोने की आवाज सुननी है, जाओ और ढूंढो ने। अरे उस्ताद जी रोने जैसी हालत तो हमारी होगी है, भूखे प्यासे उनके पीछे भागते भागते, वो तो वहां पर हंस रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, और हम ए बकवास करना बंद कर समझे, चल निकल। ए चलो ढूंढो। एक बार ये रवि मेरे हाथ में आ जाए उसके बाद मुझसे बताऊंगा कि दिलदार के गले पे चाकू रखने का नतीजा क्या होता है। अपना हिसाब तो चुका के रहूंगा मैं। लो जी पुत्र जी, आप ना बस इस घर को अपना घर समझा करो, जब मर्जी आ जाए करो, आप ही का है जी, वो खा तो रहे नहीं, आप लो ना जी थोड़ा। आज जी ये बहुत फ्राइड होता है, मैं यूजुअली इतनी फ्राइड चीजें नहीं खाती। पुत्र जी प्यार है इसमें हमारा, लेकिन चलो जी आपकी मर्जी है। श्वेता ठहरो जी, आ जा पुत्र जी, खरीद जा। थैंक यू। लीजिए आंटी जी, आपकी छोटी बहू रानी आ गई। आप कभी किचन का काम इसे भी दे दिया कीजिए। ओ ये हो जी, इसे तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। क्यों भाई मायके वालों ने कुछ सिखाया है कि नहीं? ओ भाई ससुराल है तेरा, तेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो जी 50 काम होते हैं घर में, वो देख लो खुद से कर लो, हर बात बताएंगे क्या हम? अब खड़ी क्या है तू? श्वेता जा इसे लेके जा किचन में। हाँ जी मैम। चलो यहां से वहां तक जाने में तो एक घंटा लगा देती है, काम क्या करेगी? आंटी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक बार आप मेरे घर शिफ्ट हो जाएंगी ना तो फिर आपको ये छोटे मोटे कामों की कोई टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी।
क्योंकि मेरे पास तो हर काम के लिए सर्वेंट्स हैं। आपको सिर्फ बैठकर इंस्ट्रक्शंस देनी होगी। मतलब मैं आपके साथ? ऑफ कोर्स आंटी जी, आपको पता नहीं है मेरे घर पर 11 कमरे हैं। हाय रब अच्छा। एक स्विमिंग पूल है, ऊपर बहुत बड़ा टेरेस है जहाँ हमने वो करवा चौथ की रस्म की थी। और उसके अलावा बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन भी है आंटी, वहाँ हर तरह के पेड़ पौधे आप अपनी मनमर्जी के लगवा सकती हैं। सिर्फ गार्डनर को बोल दीजिएगा वो। गार्डनर जी? माली। अच्छा जी, माली काम कर देता है। अच्छा जी, आप उसे बता दीजिएगा और वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा आप कहेंगे। कितनी ग्रीडी है ये, अभी से मेरे बंगले पर राज करने के बारे में सोच रही हैं। लेकिन तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है निवी, इनका यही लालच तुम्हें रवि की वाइफ बना देगा। कितना घना जंगल है। बहुत तेज भूत लगी है, लेकिन क्या करूं, रवि से कह नहीं सकती, वो तो पहले से इतना परेशान है, उसे और टेंशन हो जाएगी। देविका, तुम्हें भूख लगी है? नहीं, नहीं तो वो बस थोड़ा थक गई हूँ ना इसलिए। भूख तो बहुत लगी होगी इसे, लेकिन मुझे परेशानी ना हो इसलिए छुपा रही है। अभी सच निकलवाता हूँ इसके मुंह से। एक्चुअली क्या है कि इतना भाग करना, मुझे भी भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? अभी मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। तो जब मैंने पूछा था तो फिर छूट क्यों बोला? मुझे लगा कि तुम परेशान हो जाओगे, ऑलरेडी इतनी देर से परेशान हो उन गुंडों की वजह से, मेरी किडनैपिंग की वजह से। अब मैं तुमको बोलूँ कि मैं भूखी हूँ तो खामखा तुम्हें और परेशानी होगी, इसीलिए नहीं बोला। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें भूखा देखकर परेशान हो जाऊंगा? मेरी पगली कचकच, जितना ख्याल तुम्हें मेरा है ना, उतना ही ख्याल मुझे भी तुम्हारा है। पति वो तुम्हारा साथ फेरे लिए है, तुम्हारे साथ वचन दिया है कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, फिर चाहे हालात कैसे भी हो। अब तुम देखती जाओ तुम्हारा रवि क्या करता है। अरे इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं कोई फल का पेड़ तो मिलेगा ना। मैं चलो वहां देखते हैं। इतनी दूर तक भाग कर आ गए, फिर भी कहीं कोई फल का पेड़ नहीं दिख रहा। इतना बड़ा जंगल है, एक फल का पेड़ नहीं। हाँ। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि ऊपर देखो, फल। अरे हाँ, मरम फल के पेड़ के नीचे खड़े। इनको तोड़े कैसे? तोड़े कैसे? हाथ तो जाएगा नहीं। एक सेकंड रुको रुको, मेरा निशाना बहुत तेज है। ये लो। अरे इतना बड़ा कितना? Yes, रवि, ये हाँ टूटेगा। ये क्या निशाना लगा रहे हो तुम? एक सेकंड बाबा, निशाना मेरा खराब नहीं है, वो फल थोड़ा इधर लगाओ। रहो, मुझे ट्राई करने दो एक। लो तुम ट्राई कर लो, देखता हूँ तुम्हारा निशाना कितने अच्छे हैं, फिर मैं ट्राई करूँ। ओके अटोडो। हाँ हो गया, वो उसके पास ही था बस। अच्छा अभी तुम देखो। हाँ ये देखो, ये तुम फिर रहो मेरे, ये वाला इसको ऐसे तुम ये मेरे हाथों पे ना अपना पैर रखो, और ये वाला जो फ्रूट है ना इसको उतारो। नहीं नहीं मैं नहीं, तुम एक काम करो ना, तुम चढ़ जाओ ऊपर। क्या मैं ऊपर चढ़ जाऊँ? और क्या, बहुत आसान है, देखो इस पे पैर रखो, उस पे पैर रखो, फिर ऊपर चढ़ जाओ। जाओ जाओ। तुम्हारा मतलब है कि मैं पेड़ पे चढ़ूं? हाँ। ठीक है फिर रहने दो, फिर नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं। अब इतना स्वीटली बोलोगे तो मैं चांद से भी तोड़ के ले आऊंगा। देखा, मैं कह रही हूँ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, जाओ। मतलब हाँ बोलने की देर थी। ओके मैं हेल्प करूँ? तुम फिर सोच लो एक बार, कहीं मुझे कुछ हो गया ना। नहीं रवि, कुछ नहीं होगा, ऐसे पेड़ पेड़ पर चढ़ने से कुछ नहीं होता। चलो तुम कैसे बोल रहे, तुम बचपन चढ़ते आई हो। उतरी, वेरी गुड। अब देखो इसमें पैर रखो, अगर मुझे कुछ हो गया गुंडे तुम्हें अकेले ले जाएंगे उठाकर। अब मुझे फल देते जाओ। अभी तुम 2 मिनट चुप बैठे हुई, हाँ एक तो पेड़ पे चढ़ा दिया, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो सोच लेना। रवि देखो, बुरा बुरा बुरा। ये ला, एक
कैच भी नहीं तुमसे होती। रवि तुम ठीक से फेंक ही नहीं रहे हो। मैच से नहीं तेरा। आराम से फेंको ना। ठीक से खेल रहा। खेलो। यार एक काम करो, एक काम करो, अपने साड़ी की पल्लू को ना एकदम ऐसे झोली बना लो, मैं उसी पर फेंकता हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हो गया क्या? और उतारो। इतने काफी है, अब तुम नीचे आ जाओ। आ जाओ। रवि संभल कर, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं नीचे कैसे उतरूं? अरे रवि डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं बचा लूंगी तुमको। मतलब तुम कैसे बचाओगी? ऊपर से तो देख के बहुत डर लग रहा है मुझे। चढ़ तो मैं बड़े आराम से गया था। एक काम करो, लाओ मुझे हाथ दो अपना। एक सेकंड रुको, पहले मुझे जगह बनाने दो। मैं चढ़ा कैसे था? रवि हाथ पकड़ लो, मैं बचा लूंगी तुमको। कितने तोड़े मैंने? तोड़े तो बहुत सारे, लेकिन मैं कैच इतने ही कर पाई। हैं? अच्छा तो है, तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। भी नहीं आता। क्या? अच्छा, तुम्हारा चेहरा भी लगा हुआ है। एमएलए साहब। हेलो हेलो, के बच्चे कहाँ हैं तू? आप वो कॉटेज में एमएलए साहब। कौन से कॉटेज में? मैं कॉटेज में कराऊं? यहाँ तो कोई नहीं है। रवि और देविका भी नहीं, कहाँ वो लोग? कुछ लूथर के हाथों बिक तो नहीं गया तुम कमीने? नहीं नहीं एमएलए साहब, आप ऐसा मत सोचिए, ये दिलदार की जुबान है। एक बार आपको दे दी तो अपनी जुबान से मुकरूंगा नहीं। हाँ लेकिन एक छोटा सा झूठ बोला था आपसे। तुमने कमीने क्या झूठ बोला था, जल्दी बता। वो थोड़ी देर के लिए बाजी पलट गई थी एमएलए साहब। लड़का बहुत तेज निकला, मेरे गर्दन पे चाकू रख के अपनी बीवी को लेकर भाग निकला। भाग गया? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी वो मेरे कब्जे में होगा। वो तेरे साथ तो तीन तीन लोग थे, वो क्या कर रहे थे? ये क्या हो गया? तो बड़ी मुसीबत हो गई। मैं क्यों अकेले टेंशन ले रहा हूँ? उसके लूथरा को फोन करता हूँ। आज बहुत सास बहू खेल रही होगी ना, बताता हूँ क्या हो गया। हेलो, क्या? व्हाट?